हेलो एवरीवन, सब लोग आ गए हैं, रेडी हैं। सो लेट अस बिगिन आवर सेशन विद अ बिग बिग स्माइल ऑन योर फेस। चलिए अपन बिगिन करते हैं। थोड़ा सॉल्यूशन का चैप्टर थोड़ा लेट हो गया बच्चों, बट नाउ इट विल बी गोइंग टू बिगिन फास्ट, सो डोंट वरी। सो नाउ अपन आप अच्छे से अपन सॉल्यूशन को आज डिकोड कर देंगे, आई विल गारंटी यू। अब से आज के बाद आपको सॉल्यूशन चैप्टर परेशान नहीं करेगा। सॉल्यूशन हमेशा आपको एक अच्छा सॉल्यूशन ही देगा, क्लियर सॉल्यूशन ही देगा, क्लियर विजन ही देगा, ठीक है। तो आप लोग बस यहाँ पे देखें और मजे करें, ठीक है। जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दें, और दिस इज समथिंग अबाउट मी। और अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है तो डू ज्वाइन दी सेशंस रेगुलरली। प्लस यू कैन गो फॉर द नीट UG 10 न्यू चैनल ऑफ आवर्स, जहाँ पर आप कंसाइज वे में कोई भी टॉपिक अच्छे से कवर कर सकते हैं। Plus the top educators of India are also teaching here, and the courses which are running on the Plus platform, it is on complete package for your one-stop solution. So NEET UG subscription, that is for 1 month, 3 months, 1 year, and 2 years from 6 months. That is use the code HJLIVE, जहाँ पे आपको 10% discount मिलेगा। और जल्दी से आप लोग आ जाएं मुझसे पढ़ने। और सबसे अच्छा प्लान है बच्चों 2 इयर्स का, जो बच्चे 11th 12th में हैं अभी, सो गो फॉर इट। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड प्लान, जहाँ पे आपको हर एक चीज़ मिलेगी जस्ट एक टच में, ठीक है। तो मतलब कोड एक है, प्लान एक है, पर फायदे अनेक हैं, है ना। इतना फीस हम एक सब्जेक्ट के लिए देते हैं ऑफलाइन में, बट इस फीस में आपको हर एक चीज़ मिल रही है विद टेस्ट सीरीज एंड योर परफॉर्मेंस एनालिसिस। सो इससे अच्छा कहीं नहीं मिलने वाला बच्चों आप लोगों को, अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को फाइनल टेस्ट देके अपने स्कोर को बूस्टअप करना चाहते हैं। तो चलिए बिगिन करते हैं हमारा सेशन विद द बिग बिग प्लान। सो 1 डे 1 चैप्टर में आज हम ले रहे हैं बच्चों आपके लिए नया चैप्टर, दैट इज नोन एज सॉल्यूशंस। इस सॉल्यूशंस को अपन डिकोड करने वाले हैं और मज़े करने वाले हैं सॉल्यूशंस के साथ आज, और आप सभी को अच्छा लगेगा। तो सॉल्यूशन, तो बच्चों अगर मैं बता दूं आपको हम किस सॉल्यूशन की बात करते हैं, यहाँ पे जनरली हम किस तरीके का सॉल्यूशन लेते हैं, बाइनरी सॉल्यूशन। किसको लेते हैं हम? जनरली बाइनरी सॉल्यूशन को लेते हैं, ठीक है। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो अब बाइनरी सॉल्यूशन मतलब कोई बताएगा मुझे कमेंट में, सर बाइनरी सॉल्यूशन ये होता है, एनीवन कोई मुझे बताएगा सर बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है? जल्दी से कमेंट करें। ओके, थैंक यू सत्यम, ओके पार्था। जल्दी से बताएं बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब। बड़ा बचपन में पढ़ा जाता है जल्दी बताएं। 2 कंपोनेंट, यस वेरी गुड। 2 कंपोनेंट्स आर देयर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन, दैट इज ऑफ सॉल्यूट एंड एज वेल ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को बस 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होने चाहिए, वो सॉल्यूट हो जाएगा, वो ही सॉल्वेंट हो जाएगा। अच्छा, एक बच्चों को मिसकंसेप्शन होता है कि भाई ऐसा है, हमने इनका कंसंट्रेशन माना गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेट। जो जितनी ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो आपका सॉल्यूशन, वो आपका सॉल्वेंट हो जाएगा, और जो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूट हो जाएगा। सो दैट टर्म्स एट बाइनरी सॉल्यूशन विच आर मेड अप ऑफ यूजिंग 2 कंपोनेंट्स ओनली। जो कितने कंपोनेंट से मिलके बना हो, 2 कंपोनेंट से मिलके बना हो, दैट इज नोन एज योर बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखें आगे, अब देखें आगे। तो सॉल्यूशन मैंने जो अपन को डिफाइन करा है वो यही है कि नॉन रिएक्टिंग, 2 और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेज Which are termed to be as solutions, ठीक है। तो अगर टर्नरी सॉल्यूशन, भाई बाइनरी हो गया 2 कंपोनेंट से, अपन ने अभी अभी डिफाइन करा बच्चों, बाइनरी हुआ 2 कंपोनेंट से मिलके। अगर टर्नरी मैं डिफाइन करूंगा, कोई बोले नहीं बताओ आप तो टर्नरी सॉल्यूशन बताओ, तो टर्नरी सॉल्यूशन कितने कंपोनेंट से मिलके बनेगा? 3 कंपोनेंट से। इथेनॉल ले लिया, वाटर ले लिया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट। जैसे जैसे कंपोनेंट बढ़ते जाएंगे फिर कॉम्प्लेक्सिटी भी आती जाएगी हर एक पैरामीटर्स को फाइंड करने में। तो हम लोग अभी लेके चलते हैं ओनली बाइनरी सॉल्यूशन को, मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट, है ना। इन 2 चीजों को लेके चलते हैं ताकि हमारा आंसर आ जाए, ठीक है। बच्चों मैं जो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ये टिपिकल चैप्टर लगता है सारे बच्चों को, और मैं तुम्हें बता देता हूँ नीट में इसकी इंपॉर्टेंस, नीट में इसकी इंपॉर्टेंस मैं पक्का बता रहा हूँ। एनालिसिस है, 8 मार्क्स आप लॉक कर सकते हैं इससे, 8 मार्क्स आप लॉकडाउन में लॉक कर सकते हैं। इफ यू वांट टू लॉक योर 8 मार्क्स, एक बार मैं बस जो बोलता जा रहा हूँ सुनते जाओ, ठीक है। कंसेप्ट को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लो, फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। तो अगर जो कंसेप्ट एकदम जिस पे जंग छा रहा होगा वो एकदम धुंधला रहा होगा तो उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर कर लो, ठीक है। और जो भी डाउट हो वो आप कमेंट में पूछते जाना, ठीक है। चलिए ओके, सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, सॉल्यूशंस को ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट एंड ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट we have classified on the basis of solute and on the basis of solvent we have classified in these type of things, that is first is gaseous solution, second is liquid solution, third is solid solution, ठीक है। अब ये कैसे क्लासीफाई करा है आप इसमें देख रहे होंगे, एक फेस कांस्टेंट है ना, गैसियस फेस इज कांस्टेंट, सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, लिक्विड फेस इज कांस्टेंट, यहाँ पे सॉलिड इज कांस्टेंट, ठीक है, सॉल्वेंट इज कांस्टेंट, और एक एक कॉम्बिनेशन गैस लिक्विड सॉलिड का बना दिया। सॉलिड तो मतलब सॉल्वेंट पूरा कांस्टेंट है, एक एक कंपोजिशन एक एक का बना दिया। तो गैस इन गैस हो गया आपका ये, लिक्विड इन गैस हो गया आपका क्लोरोफॉर्म फिर NH2N2, सॉलिड इन गैस हो गया कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, गैस इन लिक्विड हो गया आपका ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर, लिक्विड लिक्विड हो गया इथेनॉल डिसॉल्व, सॉलिड लिक्विड हो गया ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। सो हर एक का एग्जाम्पल आप लोगों को पता है ना, यू ऑल नो दिस अबाउट, ठीक है, क्लियरली अपन को पता है ये सब चीजें, बट आपको ये क्लासिफिकेशन आना चाहिए, ठीक है। कोई भी फटाफट से पूछ ले इस सिंपल से क्वेश्चन पे डाउट, तो अपन को आने बता देना है कि हाँ सर ये होता है इसका आंसर, ठीक है। सेकंड इज कंप्लीटली मिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल, पार्शियली मिसिबल। तो कंप्लीटली मिसिबल, कंप्लीटली इमिसिबल एंड पार्शियली इमिसिबल लिक्विड्स का एग्जाम्पल क्या होगा, देखो लिक्विड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है। अगर यहाँ पे कंप्लीटली मिसिबल मतलब जो परफेक्टली मिसिबल। अच्छा ये बताओ ऑयल प्लस वाटर इनमें से किस कैटेगरी में जाएगा, ए या बी या सी? ऑयल प्लस वाटर बताओ जल्दी से किस कैटेगरी में जाएगा, ए या बी या सी? ये जब बताएं जल्दी से। ऑयल प्लस वाटर ए कैटेगरी में जाएगा, बी कैटेगरी में जाएगा या सी कैटेगरी में जाएगा? सोचिए सोचिए जल्दी सारे बच्चे। ए बी सी, अरे यार थोड़ा सा सोचो, ऑयल और वाटर है, क्या वो मिसिबल है क्या? डू दे आर मिसिबल विद ईच अदर? तो ये किस कैटेगरी में गया? हाँ, दे ऑयल एंड वाटर हम बोल सकते हैं दे आर कंप्लीटली इमिसिबल विद ईच अदर, इमिसिबल विद ईच अदर, कभी भी मिक्स नहीं होते भाई विद ईच अदर। एक बार देख लेना, घर पे सबके पड़ा होगा, तेल और पानी सबके घर में होगा, देख लेना प्रैक्टिकली वो मिक्स नहीं करते, ठीक है। यस वो मिक्स नहीं करते, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नाउ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का बच्चों मैं एक लाइन बोलता हूँ आपको, सॉल्युबिलिटी का एक इससे समझने का अच्छा एक और तरीका है। देखो सॉल्युबिलिटी हम बोलते हैं, एक तो देखो सॉल्युबिलिटी बोलते समय एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्लस टेम्परेचर कांस्टेंट होने के साथ साथ ये क्या हो गया भाई, आज इनको किसी ने प्रपोज कर दिया क्या अभिषेक भाई को, हैं इतना खुश कैसे बैठे हैं आज, हाँ इतना खुश होके, पूरा खुश होके स्माइली फेस भेज रहे हैं, इतना खुश कैसे हो भाई? सब लोग इतना दुखी है, पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं, ये बहुत खुश होके बैठे हैं अभिषेक जी, रीजन बताओ इस खूबसूरत मुस्कान का क्या रीजन है? हाँ भाई चलो ये बताते हैं अपन, है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो टेम्परेचर एक तो कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है, प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या होता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफर ये होता है बच्चों, आप लोग ये ध्यान रखें कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूट के अंदर ही एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट प्रेजेंट होगा, है ना, तभी अपन सॉल्युबिलिटी डिस्कस करते हैं। हाँ वन डे वन चैप्टर का टेस्ट भी होगा, डोंट वरी एट ऑल, है ना, वन डे वन चैप्टर का हम लोग टेस्ट भी लेंगे, डोंट वरी, उसमें आपको कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है बच्चों, है ना, सब चीज होगा, डोंट वरी एट ऑल, है ना, वन डे वन चैप्टर का टेस्ट भी कर लेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके अच्छा ओके रीजन भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया, नहीं मैंने सोचा कुछ और रीजन लगता है इतना खुश होने का आजकल लोगों को, हाँ वेरी गुड, चलो आप इससे खुश हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का रीजन बच्चों ये होता है, यार बच्चों आप लाइक और शेयर नहीं करते, कहाँ जा रहे हैं बाकी बच्चे, आई वांट 200+ ऑडियंस डेली, ठीक है। चलिए जल्दी से करते हैं, बच्चों पहले कंसेप्ट तो समझ लो। तुम लोगों का ऐसा रहता है कि सर जब पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन बोलते हैं, जब क्वेश्चन करते हैं तो बोलते हैं सर ये तो हमें आता ही नहीं कंसेप्ट। तो एक एक चीज से अपन फॉलो करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। अपन पहले क्या करेंगे, अपन पहले पढ़ेंगे, फिर इसका वन कंसेप्ट वन डे वन चैप्टर पर टेस्ट होगा। डोंट वरी, ठीक है, डोंट वरी, सब चीजें होंगी। ओके ओके, चलिए हाँ, चलिए चलिए, ओके ओके। हाँ नहीं, इसके अलावा जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगेंगे वो अपन करेंगे, वो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा वो अपन खुद प्रैक्टिस करेंगे। डोंट वरी अबाउट इट। हाँ चलिए, सॉलिबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड। नहीं, मेरा नींद पूरा कंप्लीट है ना। जब मेरा इंटरेस्ट होता है, जब मेरा किसी भी चीज में इंटरेस्ट ज्यादा जागता है तब मुझे नींद आती है, ठीक है। सो अभी मुझे बहुत इंटरेस्ट जाग रहा है आप लोगों के साथ पढ़ाने में, ठीक है। हाँ चलिए, तो अब फोकस करते हैं, फोकस ऑन लर्निंग। सो सॉलिड की लिक्विड में सॉलिबिलिटी आप जानते होंगे, सॉलिड और लिक्विड्स की सॉलिबिलिटी अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होती है। अगर सॉल्वेंट अलग होगा तो ऑब्वियस सी बात है सॉलिबिलिटी पे अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लीजिए 30 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है, 30 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व हो जाता है 100 ग्राम वाटर पे, है ना, ये कंप्लीटली डिजोल्व हो जाता है। बट अगर मैंने टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, टेम्परेचर को क्या करा हमने, टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया है तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि आपको और वेकेंट स्पेस मिल जाएगा, आप और सॉल्ट को डिजोल्व कर सकते हो, और सॉल्ट विल बी डिजोल्व इजीली, मोर सॉल्ट विल बी डिजोल्व इजीली। तो ज्यादा सॉल्ट और अगर आप डिजोल्व कर सकते हैं इसमें, तो आपको टेम्परेचर चेंज करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको सॉल्वेंट भी चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपको सॉल्यूट भी चेंज करना रहेगा। तो बच्चों सॉल्युबिलिटी वर्ड जब भी आए ना, तो सॉल्युबिलिटी वर्ड जब भी आए तो आप एक बात हमेशा ध्यान रखें, अगर वो सॉल्युबिलिटी वर्ड बोल रहा है तो सॉल्युबिलिटी के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होता है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होता है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और एक वो पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है। तो ये हर एक चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये हर एक चीज क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तभी अपन सॉल्युबिलिटीज को डिफाइन करते हैं, और इसी के ऊपर ये फिनोमिना डेवलप है, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन। अगर आपको पता है, व्हेन सॉलिड सॉल्यूट इज एडेड इन द सॉल्वेंट सम सॉल्यूट डिसॉल्व्स एंड इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस इन द सॉल्यूशन, जो मैंने अभी अभी समझाया है आपको। एंड क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो द सेम थिंग, सम सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द कोलाइड। अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि भाई सर यहाँ पे हमने लिखा है कि सॉल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड गेट सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। आप करते होंगे ना भाई, जैसे मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व हो गया, और वापस अगर मैंने टेम्परेचर कम कर दिया, वापस अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो वापस टेम्परेचर कम करने पर वापस से आपका वो जो डिजोल्व पहले अमाउंट ज्यादा हो गया था वो वापस क्रिस्टलाइज होके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, वो वापस क्रिस्टलाइन होके बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं अपन। कि समझिए कि अगर हमारे पास बच्चों की फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम वाटर है और इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व हो सकता है, इसमें मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का डिजोल्व हो सकता है फॉर एग्जांपल 30 ग्राम्स। कितना हो सकता है? 30 ग्राम्स। तो अगर आप सोचिए, अगर मैंने ए 10 ग्राम डिजोल्व करा, और अगर मैंने बी 30 ग्राम डिजोल्व करा, और अगर मैंने सी 50 ग्राम डिजोल्व करा, तो कौन सा सॉल्यूशन कौन सा है? ए 10 ग्राम वाला कौन सा सॉल्यूशन है? क्या वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है? क्या वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है? क्या वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है? कौन सा सॉल्यूशन है? जल्दी से बताएं। हम जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं उसमें मैं बहुत पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूं। सारे क्वेश्चंस करने भी जरूरी नहीं है, मैंने फिल्टर करके आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो उन्हें करें, आपको अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये बताएं मुझे, ए 10 ग्राम किस कैटेगरी में आएगा? क्या वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है? क्या वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है? क्या वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है? बताइए जल्दी से। देखो देखो, यस यस वेरी गुड। अब सुनिए यहाँ पे सुनिए, हाँ देखो 10 ग्राम, देखो 10 ग्राम में क्या होगा, 10 ग्राम। अब सब आंसर दीजिए। 10 ग्राम अगर आपने डिसॉल्व करा, 10 ग्राम डिसॉल्व करना मतलब कम हुआ, सैचुरेटेड तो 30 पे होता, तो 10 ग्राम वाला क्या हुआ अनसैचुरेटेड। 10 ग्राम वाला क्या हुआ बच्चों अनसैचुरेटेड हुआ, 10 ग्राम वाला हुआ अनसैचुरेटेड, 30 ग्राम वाला हुआ आपका सैचुरेटेड, 30 फिक्स होते ही सैचुरेटेड हो गया, और 50 होते ही आपका हो गया सुपर सैचुरेटेड, 50 होते ही हो गया आपका सुपर सैचुरेटेड। ओके, तो दीज आर द 3 थिंग्स विच वी आर गोइंग टू नो अबाउट इट एंड क्रिस्टल क्लियर अबाउट इट। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को अपन कैसे डिसाइड कर सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ लिक्विड्स, टेम्परेचर एंड प्रेशर। दीज आर द 4 पैरामीटर्स जो सारे के सारे पैरामीटर्स अपने को बताते हैं कि हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस के इन लिक्विड्स इन पे डिपेंड करती है कि भाई गैस पे भी डिपेंड करेगा वो कितना सॉल्युबल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, टेम्परेचर ऑल्सो, प्रेशर ऑल्सो। तो इन्हीं सबसे मिलकर हमारा आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, आप समझ सकते हैं इस बेस्ट एग्जाम्पल को कोल्ड ड्रिंक्स है, ठीक है। कभी अगर आप कोल्ड ड्रिंक खरीदने गए हो, कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर रहा हूँ है ना, और कोई ड्रिंक मत समझना, कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप खरीदने गए हो तो कोल्ड ड्रिंक हमेशा हम बोलते हैं भाई एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक दे दो, है ना, एक चिल्ड कोल्ड ड्रिंक दे दो, चाहे वो स्प्राइट दे दो, चाहे वो कोको कोला दे दो, चाहे वो आप पेप्सी दे दो, जो आपको पसंद है वो दे दो। बट कोई ऐसा बोलता है कि भाई बाहर उसके दुकान के बाहर या शॉप के बाहर एक बहुत सारी केन्स पड़ी है, उसमें भी रहती है बहुत सी बार कोल्ड ड्रिंक, तो हॉट कोल्ड ड्रिंक कोई नहीं पीता। क्यों नहीं पीते भाई, कोल्ड ड्रिंक तो उसमें भी है, वो क्यों नहीं पीते हॉट कोल्ड ड्रिंक, व्हाट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज लाइक कोल्ड कोल्ड ड्रिंक। तो इसका रीजन यहाँ पे प्रेजेंट है, व्हाई इज इट सो, व्हाई इज इट सो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, कौन बताएगा इसका रीजन, हाँ जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं क्या रीजन है, इसका रीजन क्या है ये बताएं कि सर हम वो वाली इसलिए नहीं पीते, हमें अच्छी नहीं लगती, या सर हम तो जो भी फ्री में मिले हम सब पी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप दो तो सही हमें। व्हाट इज द रीजन। ओके आई विल डू दैट, बायोमोलिक्यूल्स आई विल एक्सप्लेन टू यू, हाँ नो प्रॉब्लम एट ऑल। बताइए क्या होगा उसका रीजन, हाँ द रीजन, बिकॉज द रीजन ऑफ दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ दिस, मजा नहीं आता है ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज हमें लाइफ में चाहिए मजा सर, वो नहीं आता उसमें, ठीक है। हाँ तो देखो द रीजन इज टेम्परेचर, टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर करेक्ट। हाँ CO2 गैस, जो CO2 गैस है वहां पे सॉल्युबल हो जाता है ना, CO2 गैस सॉल्युबल होता है किस टेम्परेचर पे, एक तो प्रेशर भी उसको पूरा करते हैं, प्रेशर भी उसको पूरा रखते हैं, प्रेशर को भी उसको पूरा दबा के रखते हैं अपन, एकदम कंप्रेस रहता है वो, ठीक है, और हाई प्रेशर में रखते हैं, प्लस टेम्परेचर को भी आप लो रखते हैं, टेम्परेचर को भी आप लो रखते हैं। अच्छा कितने बच्चे यहाँ पे रेडी हैं कि सर हम लोग बायोमोलिक्यूल्स स्टार्टिंग से पढ़ना चाहेंगे, हाउ मेनी ऑफ यू। मुझे अभी पता चला कि सर किसी को बायोमोलिक्यूल्स नहीं आता, तो मैं एक बेसिक से आपको एक एक चैप्टर वाइज समझाता जाऊंगा, उसमें बेसिक्स है ना, उसको 5-6 लेक्चर में अपन पूरा अच्छे से क्लियर करेंगे। वो बायोमोलिक्यूल्स आता है, पढ़ना चाहेंगे बायोमोलिक्यूल्स, अच्छा सब लोग पढ़ना चाहेंगे बायोमोलिक्यूल्स, ओके ओके सब लोग पढ़ना चाहेंगे, ठीक है भाई ठीक है, तो मैं आपको जल्दी आपका उसको हो जाएगा। नहीं बॉसों को नहीं आता, बॉस है ना उससे दूर भागते हैं, जबकि उसमें बायोलॉजी वर्ड भी है फिर भी उससे दूर भागते हैं। हाँ बेसिक से समझा देंगे, बेसिक से पूरा एकदम बेसिक से 4-5-6 लेक्चर का एक सीरीज ले आऊंगा, डोंट वरी। हाँ भाई मैं सब कंप्लीट करूंगा बेटा, डोंट वरी है ना, आपके लिए जल्दी से मैराथन भी आएंगे, हर एक चीज आएंगे, डोंट वरी ठीक है। ओके ठीक है, पॉलीमर्स एंड बायोमोलिक्यूल्स सब लोग खुश हो गए हैं इस बात पे, सब लोग खुश हो गए हैं ठीक है। देखो आपके मन में, सुनो मेरी बात बच्चों, एक बात ध्यान रखा करो, मैं वो बहुत फोकस करता हूँ जो बच्चे कमेंट करके चल जाते हैं ना कि सर आप ये पढ़ाओ अगले चैप्टर में, या सर आप ये लो अगले चैप्टर में, तो आप कमेंट करोगे सर आप प्लीज ये करो अगले चैप्टर में, तो मैं श्योरली उसमें आपके लिए सीरीज ले आऊंगा, डोंट वरी एट ऑल, है ना। ओके चलिए, ओके श्योर फॉर दिस। हाँ चलिए, हाँ 1 चैप्टर 1 डे ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोर देन इनफ है, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। चलिए अब बच्चों आप अपन, हाँ आप कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं उसको देख लूंगा और मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कब मैं लेने वाला हूँ क्लासेस, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। हर एक चीज हम यहाँ पे किस लिए, हम आपके लिए ही तो हैं, हमें थोड़ी फायदा है कि हम ये पढ़ें, आप जो चाहते हैं हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए ओके गाइज, ओके नहीं मेरे लेक्चर्स करोगे तो मैं एनसीईआरटी को पूरा कवर करते ही चलता हूँ बच्चों, डोंट वरी, ठीक है। चलिए थैंक यू ऑल, थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, है ना, अब फोकस हो जाओ सारे बच्चे, आप देखो सब बच्चे अच्छे हैं, सारा क्राउड अच्छा है, तो बस अब फोकस हो जाओ पढ़ने पे, अपन इसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। हाँ मैं सब समझा दूंगा, डोंट वरी एट ऑल, ठीक है। ओके तो जल्दी से आप इसको पूरा पर मुझसे सब लोग पक्के से प्रॉमिस करो कि सर हम सब लोग एक हम अपने अपने चैनल्स पे इसको शेयर करेंगे, हम पक्के से शेयर करेंगे, हम अपने अपने इंस्टाग्राम पे, हम अपने अपने व्हाट्सएप पे, हम अपने अपने फेसबुक पे, सबसे सब बताओ पक्के से। तो मुझे ऑडियंस आपको लाना है, पढ़ाना मुझे है, वो मैं देख लूंगा, उसका आप टेंशन ना करें, ठीक है। ओके जरूर जरूर, पक्का प्रॉमिस, ठीक है। सब समझा देंगे बेटा, सब समझा देंगे, डोंट वरी। चलिए अब कंटिन्यू करते हैं अपन, टॉपिक्स के साथ कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलिए अब यहाँ पे देखें, ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, अब यहाँ पे देखते हैं अपन, तो देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड एट अ गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टेम्परेचर इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट विच इट इज डिजोल्व, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज मेजर्ड एट दिस, और जितना भी गैस डिजोल्व होता है उसका मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये बोला था हेनरीज लॉ ने, ठीक है। अब यार बच्चों सोचो मोल फ्रैक्शन का क्या यूनिट होता है, कोई बताएगा, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, जल्दी से बताएं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोल फ्रैक्शन, कोई बताएगा। यार इस अभिषेक के साथ जरूर कुछ घपला हुआ है आज, ऐसा लग रहा है मुझको, इतना ज्यादा कुछ कोई कैसे हो सकता है, चलो बताओ, यूनिटलेस, यूनिटलेस है ना, यस वेरी गुड, इसका कोई मोल फ्रैक्शन का इज इट अ सॉर्ट ऑफ यूनिटलेस क्वांटिटी, इट्स अ सॉर्ट ऑफ व्हाट, यूनिटलेस क्वांटिटी। तो प्रेशर अगर यूनिटलेस है तो ये यूनिटलेस हुआ, इसका यूनिट जानते हैं हम एटीएम होता है, तो केएच का यूनिट भी क्या होना पड़ेगा, तो बार एटीएम, यही सब है ना, प्रेशर के प्रोपोर्शन होगा, तो इसका यूनिट भी क्या होगा, बार एटीएम, वो सब ही होने वाला है, आई बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए सो दिस इज द वे डिफरेंट वैल्यूज ऑफ केएच आर फॉर डिफरेंट सॉल्वेंट, द गैस द वैल्यू ऑफ केएच इन डिफरेंट एंड डिफरेंट सॉल्वेंट इंक्रीजेस विद टेम्परेचर, हायर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब समझे आप, कैसे समझा, देखो प्रेशर इज इक्वल टू केएच इनटू एक्स, तो अगर केएच की वैल्यू ज्यादा होगी बच्चों, सोचो इस क्वांटिटी को सेम रहना है, अगर केएच का वैल्यू बढ़ गया तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो हायर द वैल्यू ऑफ केएच लोअर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी लेस, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विल बी लेस, आती है बात समझ में सभी को, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सॉल्यूट का, कम हो जाएगा, लेस हो जाएगा, आई बात समझ में, क्लियर हुआ सभी को, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा सभी का सॉल्यूट का बच्चों, जस्ट अ सेकंड, अच्छा बच्चों थोड़ा सा फ्लिकरिंग आ गया था, आई विल बी बैक नाउ, ठीक है। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो जल्दी से आ जाए सारे, डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, इसको अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि भाई ये प्रेशर है 500 एटीएम और ये है 1000 एटीएम और ये है केज का कर्व और दीज आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो आप देख रहे होंगे फॉर सॉल्यूशन ऑफ HCl इन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पे डिफरेंट डिफरेंट मोल फ्रैक्शन आपको दिख रहा है। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मोल फ्रैक्शन और केज की वैल्यू एक कांस्टेंट आई है। तो ये कर्व अपन ने डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो दिस इज द कर्व व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, ठीक है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। So अब इससे क्या कंक्लूजन निकाला अपन ने? इफ मिक्सचर ऑफ गैसेस बॉट इन कॉन्टेक्ट विद सॉल्यूट ईच कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन प्रोपोर्शन टू इट्स प्रेशर इट मींस हेनरीज लॉज इज एप्लीकेबल टू ईच इंडिविजुअल। मतलब अगर और भी अगर डिफरेंट डिफरेंट गैसेस वहां पर डिसॉल्व हैं तो हेनरी गैसेस आपकी अलग अलग तरीके से आपको हर एक गैस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। प्लस इट इज प्रोपोर्शनल टू, जैसे ही आपको यहाँ पे दिख रहा है, हेनरी लॉज कैन बी अप्लाइड बाय एक्सप्रेसिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितना भाई मास आ गया, मास इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, सब ले देखिए वही चीज है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। अब अगर अपन बात करें टेम्परेचर की, तो बच्चों अगर मैं बताऊं आपको गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी अपन बहुत ज्यादा डिस्कस करते हैं। गैस इन लिक्विड की सॉल्युबिलिटी अगर आप डिस्कस करें तो गैस इन लिक्विड है, तो अगर मैंने टेम्परेचर इंक्रीज करा, टेम्परेचर बढ़ाने पे बच्चों क्या होता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या कम होती है ये बताना। पहले गैस डिसॉल्व्ड है किसके अंदर, लिक्विड में, अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी या बढ़ेगी ये बताओ। टेम्परेचर कम होगी या बढ़ेगी ये बताएं। अगर गैस इन लिक्विड है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी? सोचो एक बार, सोचो जल्दी से, सारे बच्चे सोचिए इसको क्या होगा। हाँ, करेक्ट। आया समझ में, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हाँ देखो, सॉल्युबिलिटी बच्चों डिक्रीज होगी, गैस की इन लिक्विड में, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया तो मतलब कि वो नहाया नहीं है पूरी सर्दियों में, है ना, अगर यार तुम एक वाटर, सिंपल सा पानी लो और उसको बॉईल करो तो आप देखोगे वहां पे बबल्स जनरेट होने लगेंगे थोड़ी देर में। तो वो क्यों हो रहे हैं, वो इसीलिए जनरेट हो रहे हैं क्योंकि आपने जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया तो गैस जो पहले सॉल्यूबल थी उसमें, वो अब क्या होने लगी है, अनसॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल होने लगी है। तो वो इस वजह से वहां से निकलने लगे हैं, सर्दियों में क्या, बहुत से इतने आलसी हो गए लॉकडाउन में अभी भी नहीं नहा रहे हैं, हाँ? ये तो सबको समझ आना चाहिए। जो लोग इंक्रीज बोल रहे थे, कैसे इंक्रीज हो सकती है ना, क्या होती है कम, अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक का एग्जाम्पल से भी इसको समझाया है, ठीक है। और इसी तरीके से हम ये चीज और समझ सकते हैं, KH value of N2 and O2 increases with increase in temperature, indicating that the solubility of the gas increases with decrease of temperature. Hence, this is the reason why aquatic plants are more comfortable in cold waters rather than cold warm water. आया समझ में सभी को क्या पॉइंट है, ठीक है। भाई अपन ने क्या करा, प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल आया, मोल फ्रैक्शन के, और अपन को पता है प्रेशर इज kh into x। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर हमने टेम्परेचर विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्लूडेड दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो अगर मैंने टेम्परेचर कम करा तो आपका kh बढ़ने लगेगा, सॉल्युबिलिटी और ज्यादा होने लगेगी, तो और ज्यादा गैसेस जो भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनके लिए कंफर्टेबल हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सो लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। बच्चों मैं आपको एक मोटिवेशनल बात बताता हूँ इसी के साथ साथ। अगर आपको कुछ पता हो दैट हाउ यू आर इम्पोर्टेंट फॉर अस एंड द फॉर द नेशन, दैट डॉक्टर्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारे देश के लिए। आज आपको एक न्यूज़ मिलेगी एम्स दिल्ली के ऊपर, एम्स दिल्ली के ऊपर पूरे हेलीकॉप्टर से आज सारे फूल बरसाए गए हैं हर जगह। मतलब डॉक्टर्स का हमारे देश ने पूरे देश ने सम्मान करा गया है। तो आप अपने गोल को ऐसे मामूली मत लीजिए, है ना, एक इस तरीके से ना लीजिए कि सर हाँ ठीक है पढ़ लिया तो चलेगा, मजाक हो रहा है तो चलेगा। आप इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हो फॉर अ नेशन, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। तो इट ऑल बेस्ड ऑन यू कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, ठीक है। तो इट्स ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन यू। आई बात समझ में? इतना मतलब this is not fame, this is the respect what you all should get from the nation, from everyone. Clear है जी? हाँ, very good, very good. So it will be, आप एकदम गोल को फोकस होके चलो, है ना, ऐसे नहीं कि हाँ आज पढ़ लिए, आज सर ने ये इंपॉर्टेंट बात करी है, तो बी फोकस, ठीक है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर, तो लिमिटेशंस क्या क्या है हेनरीज लॉ की बच्चों? द प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट टू हाई, प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो नहीं अप्लाई होगा, टेम्परेचर ज़्यादा लो भी नहीं होना चाहिए, प्लस देयर शुड बी नो रिएक्शंस विद ईच अदर, रिएक्शंस नहीं होनी चाहिए गैस लिक्विड इन सब की, और ना ही डिसोसिएशन होना चाहिए, वही ना तो रिएक्शन होनी चाहिए ना डिसोसिएशन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये अपन ने पढ़ा है हेनरीज लॉ में। अब आई बात बच्चों वेपर प्रेशर की, वेपर प्रेशर क्या होता है? तो वेपर प्रेशर बच्चों, वेपर प्रेशर आपने पढ़ा होगा, वेपर प्रेशर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिससे अपन को डील करना है इस पूरे चैप्टर में। और वेपर प्रेशर इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ लिक्विड। बताओ वेपर प्रेशर किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा? बताओ सारे बच्चे। नेचर ऑफ लिक्विड पे करेगा कि भाई लिक्विड कैसा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक साइड लिया वाटर और एक साइड लिया मैंने हनी, वाटर एंड हनी, किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा आपके हिसाब से? वेपर प्रेशर आपके हिसाब से किसका ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ, सोचिए एक बार सारे बच्चे। अगर वेपर प्रेशर देखो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, है ना, वाटर का ज्यादा होगा या हनी का ज्यादा होगा आपके हिसाब से? वाटर का ज्यादा होगा, ये बात अपने को समझनी है। यस, नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। यस, वेरी गुड। H2O पे डिपेंड करा, तो H2O ज़्यादा नेचर ऑफ लिक्विड है, मतलब मोर वोलेटाइल है, लेस इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है, तो वेपर प्रेशर इसका ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दैट वन। तो मतलब एक सिंपल सा बात है कि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड है, ठीक है, कोई लिक्विड है A, अब धीरे धीरे आप क्या करोगे, उसको ये ऑब्जर्व करोगे, धीरे धीरे उसकी वेपर्स बनना स्टार्ट होगी और वो वेपर्स बनना इससे टकराना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये वेपर्स यहाँ से टकराना स्टार्ट हुई जैसे इस कंटेनर से, तो वापस से धीरे वापस जैसे ही आपका लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, तो ये वापस से इंटर कन्वर्टेबल ईच अदर, फेस चेंज ईच अदर, ठीक है, एक दूसरे के फेस में आपस से इंटर कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है। तो लिक्विड है यहाँ पे, ये है गैस, लिक्विड और गैस में अगर ये दोनों एक दूसरे से इंटर कन्वर्ट होते जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर सकते हो बच्चों, यहाँ पे आप ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर कि लिक्विड से गैस कन्वर्जन के अंदर आपको ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक पॉइंट के बाद ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा, तो उस पॉइंट का जो प्रेशर आएगा, उस पॉइंट पे जब ये प्रेशर कांस्टेंट हो जाना है, जब जितने पार्टिकल लिक्विड से गैस में जा रहे हैं उतने के उतने गैस से लिक्विड में भी आ रहे हैं, तो उस पॉइंट को अपन बोलेंगे लिक्विड टू गैस इक्विलिब्रियम। और उस पॉइंट पे जो प्रेशर डिपेंड होगा, उस पॉइंट पे जो प्रेशर डिपेंड होगा या डिफाइंड होगा, दैट विल बी नोन एज योर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड, दैट विल बी नोन एज योर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड। आया समझ में? समझ आई बात कैसे डिफाइन करते हैं हम वेपर प्रेशर्स को? क्लियर टू एवरीवन? ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो द इवेपोरेशन, वही चीज मैंने यहाँ पे समझाएंगे, जैसे ये लिक्विड है, धीरे धीरे ये तड़पने लगे तो ऊपर जाने लगे जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स थे जी, हाँ। तो मतलब एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अपन डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, समझ आ गया होगा सभी को। यस, अब लिक्विड से गैस में ये इक्विलिब्रियम है, तो लिक्विड से गैस में ये जो कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे लिक्विड से गैस में जो ये कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि लिक्विड से गैस के केस के अंदर ये यहाँ पे वेपर्स धीरे धीरे जनरेट होने लगेगी, जो यहाँ पे वेपर प्रेशर आएगा वो आएगा पी नॉट ए, वो वहाँ पे आएगा पी नॉट ए ऑलवेज बी देयर, इट विल बी ऑलवेज बी देयर। क्लियर है? उसी को अपन प्योर वेपर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, वही चीज हमने समझा रखी है यहाँ पे। ठीक है, अब ये एक मैंने आपके लिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट कैसे अपन को कैसे पता लग जाता है, अपन कैसे वेपर प्रेशर मेजर करते हैं। तो यहाँ पे जितना इस मरकरी कॉलम, लिक्विड मरकरी का ये जो भी अपन मरकरी कॉलम लेते हैं उनका जो हाइट राइज हो जाता है उस हिसाब से अपन पता लगा लेते हैं कि भाई यहाँ से वेपर जनरेट होके इधर जाएंगी, इस पे प्रेशर लगाएंगी तो यहाँ पे हाइट में राइज आएगा, एच हाइट से राइज हुआ तो उससे अपन वेपर प्रेशर, आप पता है आप ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना प्रेशर रो जी एच ऐसे कैलकुलेट करते होंगे आप फिजिक्स में। ठीक है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस बच्चों, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि हमेशा हम लिक्विड की बात करेंगे, इट इज ऑल्सो देयर दैट आयोडीन, लिक्विड आयोडीन को भी, आयोडीन का भी वेपर प्रेशर हो सकता है जो कि इवेपोरेट हो सकता है, एंड ऑल्सो हैव अ वेपर प्रेशर एट एनी टेम्परेचर जस्ट लाइक लिक्विड, एंड इट विल ऑल्सो हैव अ वेपर प्रेशर एट एनी टेम्परेचर जस्ट लाइक लिक्विड। आती है बात समझ में? क्लियर है? ओके, नाउ इफ यू आर गोइंग टू हैव टू वॉलेटाइल लिक्विड्स, अगर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को अगर आप ऐड करोगे तो क्या होगा वेपर प्रेशर में, नेट वेपर प्रेशर कितना होगा? अच्छा, अगर दो वॉलेटाइल लिक्विड्स को ऐड करोगे तो एक सॉल्वेंट होगा, एक सॉल्यूट होगा। तो बच्चों मैं एक सिंपल सा आपसे एग्जांपल पूछना चाहता हूँ कि मान लीजिए पी नॉट ए कोई ए वॉलेटाइल लिक्विड है, उसका वेपर प्रेशर है 500 mm ऑफ HG। ठीक है, और पी नॉट बी है, पी नॉट बी है, उसका वेपर प्रेशर है 700 mm ऑफ HG। ठीक है, अगर मुझे नहीं पता ये कितना मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है, अगर मैंने इन दोनों को ऐड करके एक नया सॉल्यूशन बनाया, ऐड करके नया सॉल्यूशन बनाया, तो आप मुझे बता सकते हैं पी टोटल कितना आ सकता है, पी टोटल कितना आएगा? क्या वो ग्रेटर देन 500 होगा? क्या वो लेस देन 500 होगा? क्या वो उसकी परफेक्ट रैंक ग्रेटर देन 700 होगा, क्या लेस देन 7? ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कंसेप्चुअल चीज है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ यहाँ पे। क्या वो PA लेस देन 500 होगा? क्या वो PA ग्रेटर देन 700 होगा? क्या वो PA 500 से 700 के बीच में होगा, या कह सकते हैं आप कांट कमेंट, कांट कमेंट। पी टोटल लिख लेता हूं मैं, पी टोटल जो नेट वेपर प्रेशर बनेगा, ये बताओ कौन सा ऑप्शन? कैन नॉट कमेंट, ए, बी या सी, बताओ कौन सा है ग्रेटर देन 700? सोचो एक बार, सोचो। अपन ने इन दोनों को मिक्स करा है ना, ए को भी मिक्स करा है और बी को भी मिक्स करा है। हाँ, वेरी गुड, शाश्वती भट्टाचार्य ने बहुत सही से आंसर दे दिया है, बिटवीन सर 500 से 700 के बीच में होगा, है ना? सिंपल सा आंसर है बच्चों, कहाँ के कहाँ बीच में होगा? 500 से 700 के बीच में होगा, ना तो वो 500 से ज्यादा कम हो सकता है, ना वो 700 से ज्यादा हो सकता है। It will always lies between 500 to 700, अपन ये बोल सकते हैं। अगर मोल फ्रैक्शन रहेगा तो अपन उसको बता भी सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें, है ना? अगर न्यूमेरिकल में देखो, न्यूमेरिकल अगर सॉल्व करना है तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ये एकदम बूम बूम का तरीका है ना? कौन सा तरीका है? बूम बूम तरीका। देखो कैसे कि आपको दे देगा सर बच्चों पी नॉट ए का वैल्यू है एक्स और पी नॉट बी का है वाई, तो आपको अगर चार ऑप्शन दे दिए कि बताओ पी टोटल क्या होगा अगर दो ये वॉलेटाइल है, तो आप एकदम जल्दी से ऑप्शंस भी एलिमिनेट करके आंसर बता सकते हैं। तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में होता है, मिनिमम और मैक्सिमम के क्या होगा? बीच में होगा, मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा। आई बात समझ में? यस, वेरी गुड, वेरी गुड, अंडरस्टूड द पॉइंट। ठीक है, सो डेरिवेशन ऑफ टोटल वेपर प्रेशर ओवर सॉल्यूशन यूजिंग रॉल्स लॉ एंड डाल्टन्स लॉ। Let A, B be two volatile liquids in a closed container as shown. A, B दो volatile liquids है जो यहाँ पे present है, और A plus B is XA and XB. PA is equal to P not A XA, P not B XB, और इसको अपन निकाल सकते हैं। और XA XB में क्या रिलेशन है? XA plus XB is equal to 1. तो अपन हर एक को एक दूसरे को निकाल सकते हैं चेंज करके, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है किसी को भी। ठीक है, और वेपर प्रेशर भी सेम इसी तरीके से निकाला जाता है। और यहाँ पे ये ग्राफ है जो आपको समझना है, यहाँ इस पॉइंट पे इस फॉर्मूले को समझो आप। पी टोटल लिखा है हमने पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्सपी। ठीक है, तो यही एक्स ए की वैल्यू अगर जीरो, एक्स ए यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एक्स ए को जीरो पुट करो तो वेपर प्रेशर कितना आएगा? पी बी नॉट और एक्स बी, तो ये प्रेशर रहा और ये पी ए नॉट रहा। ठीक है एक्सबी पे। तो अब नेट प्रेशर की रेंज क्या होगी, पीबी नॉट से पीए नॉट, यही चीज हमने ड्रॉ कर रखी है। नेट प्रेशर की रेंज क्या होगी, पीबी नॉट से पीए नॉट, ये रहा, ये नेट प्रेशर की रेंज यहाँ पे ड्रॉ कर रखी है, ठीक है वही चीज है ना। अच्छा अब इसी के बाद आती है बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड, मॉलिकुलर मास ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड मतलब मॉलिकुलर स्ट्रक्चर्स या आइडियल सॉल्यूशंस या नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा बच्चों कमेंट करें आइडियल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशंस का नाम आते हैं आपके दिमाग में क्या आता है, जल्दी से बताएं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। आइडियल सॉल्यूशंस का नाम आते हैं आपके दिमाग में क्या क्या वर्ड्स आते हैं ये बताएं। कि सर ये आइडियल सॉल्यूशन होता है, सर ये आइडियल सॉल्यूशन होता है, विच फॉलोर ऑल्सो, ओके फर्स्ट थिंग इज दैट आइडियल सॉल्यूशन follows they will definitely going to follow Rawls law, they will definitely going to follow what, Rawls law, ठीक है पहली बात ये हो गई। और नेक्स्ट बताएं Rawls law follow करेंगे और क्या बोल सकते हैं, change only due to temperature, हाँ ये तो है ही। अच्छा solute और solvent के बीच में, अच्छा ये मान लीजिए ये आपका solute है, ए इंटरेक्शन है इसमें, और सॉल्वेंट है जिसमें ए बी इंटरेक्शन है ना, बी इंटरेक्शन है। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कैसा इंटरेक्शन होगा, इनसे ज्यादा होगा कम होगा इक्वल होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में कैसा इंटरेक्शन होगा, इनसे ज्यादा होगा कम होगा या इक्वल होगा। ऑलमोस्ट इक्वल, वेरी गुड। ए इंटरेक्शन जो है और बी इंटरेक्शन जो है वही किसके इक्वल होगा, ए इंटरेक्शन। तीनों के बीच में इंटरेक्शंस कैसे होंगे, सेम होंगे कांस्टेंट होंगे, आई बात समझ में। ए बी और ए बी के इंटरेक्शंस वैल्यू इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हुआ क्या, बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये बॉन्ड ब्रेक करा और ये बॉन्ड फॉर्म करा तो इन बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी चेंज एकदम जीरो आया है, तो इसी केस के लिए अपन बोलते हैं डेल्टा एच मिक्सचर कितना होगा, डेल्टा एच मिक्सचर बताओ कितना होगा, डेल्टा वी मिक्सचर बताओ कितना होगा, जल्दी से बताओ इन दोनों की वैल्यूज। डेल्टा एच मिक्सचर की वैल्यू, मिक्सचर की वैल्यू और डेल्टा वी मिक्सिंग की वैल्यू, 0 > 0 < 0 < 0। वेरी गुड। डेल्टा एच मिक्सिंग भी 0 हो जाएगा, डेल्टा वी मिक्सिंग भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ना तो बॉन्ड बनने में ना बिगड़ने में, ना तो इंटरेक्शन का वैल्यू बढ़ा है ना ही इंटरेक्शन का वैल्यू कम हुआ है, ना तो आपका ए बी इंटरेक्शन बढ़ा है ना ही आपका ए बी इंटरेक्शन कम हुआ है। आती है बात समझ में सभी को, ठीक है क्लियर है, यस यस दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू से, ठीक है दैट इज द पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू, करेक्ट है। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। दिस मीन्स दैट इट टेक्स द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस इन आइदर ऑफ द केसेस, सेम चीज है। अच्छा बच्चों एक और बताओ मुझे, डेल्टा एस मिक्सचर क्या पड़ेगा, डेल्टा एक्स मिक्सचर एंट्रोपी, पे क्या इफेक्ट आएगा बताओ जल्दी से कमेंट करके, एंट्रोपी पे क्या इफेक्ट आएगा, < 0 होगा, < 0 होगा, क्या होगा। <> क्या होने वाला है जल्दी से बताएं। हाँ ये देखो अभी बहुत से बच्चों को मिक्स कंसेप्शन है, बहुत से बोल रहे नेगेटिव, बहुत से बोलते हैं 0, बहुत से बोलते हैं < 0। ये ध्यान रखें एंट्रोपी हमेशा सिस्टम का बढ़ेगा बच्चों, एंट्रोपी इज ऑलवेज गोइंग टू बी < 0 बिकॉज ऑफ दिस ओनली द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, आती है बात समझ में, बिकॉज ऑफ दिस ओनली द प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, क्लियर है। हाँ तभी तो मिक्सिंग हुआ। मिक्सिंग होते ही डेल्टा एस मिक्सचर ग्रेटर देन जीरो हो गया। मिक्सिंग होते ही क्या हुआ, डेल्टा एस मिक्सचर क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो चुका है। क्लियर है जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब नॉन आइडियल, आइडियल नॉन आइडियल में क्या होता है, यही चीज जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही अपने नेचर में होता है। आइडियल तो बहुत कम होते हैं। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस जहां पे डेल्टा एच मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो हो या डेल्टा वी मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो हो, जहां पे डेल्टा एच मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो हो या डेल्टा वी मिक्सचर नॉट इक्वल टू जीरो हो। क्लियर है। तो जैसे इसकी टेबल मैंने यहाँ पे आपके लिए लाया हूँ, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करे लॉल लॉ से, तो जहां पे कौन सा इंटरेक्शन ज्यादा हो, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज मोर, सॉल्यूट के बीच में या सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन मोर देन ए बी इंटरेक्शन, वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी देन इन प्योर। तो यहाँ पे इस केस में क्या होता है, 1 लीटर प्लस 1 लीटर इज ग्रेटर देन 2 लीटर्स, मतलब इंटरेक्शन कम है तो वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा जी मिक्स नेगेटिव, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा वी मिक्स पॉजिटिव, डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स, H2O प्लस, इसका एग्जाम्पल कौन से हैं, H2O प्लस मिथोनॉल, H2O प्लस इथोनॉल, इथेनॉल प्लस एक्सेन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, CCl3, CCl3 प्लस CCl4। इसी का जस्ट अपोजिट कर दो तो वो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ हो गया। इसी का जस्ट अपोजिट कर दोगे तो वो क्या हो गया, नेगेटिव डेविएशन हो गया रॉल्स लॉ से। और बच्चों ये एग्जाम्पल एकदम याद होनी चाहिए, डू मेमोराइज दैम, डू मॉक अप दीज एग्जाम्पल। डायरेक्ट पूछ लेगा आपको क्वेश्चन में कि आप मुझे ये बताओ कि मुझे कि H2O और मिथेनॉल मिलता है तो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, आइडियल बनेगा, नेगेटिव डेविएशन वाला बनेगा, पॉजिटिव डेविएशन वाला बनेगा। तो आपको एकदम ये एग्जाम्पल्स पक्के से आने चाहिए। इसको याद करने का समझने का तरीका भी सिंपल है कि बच्चों जहाँ पे H2O और CH3OH, जहाँ पे H बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी होती है, वो जाते हैं नेगेटिव डेविएशन में, बिकॉज वहाँ पे अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो H बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी जहाँ पे होगी वहाँ नेगेटिव, जहाँ नहीं होगी वहाँ पे पॉजिटिव। सिंपल। क्लियर है? बोलो हैशटैग क्लियर टू ऑल। क्लियर हुआ सभी को? क्लियर है? एनी डाउट टू एनी वन ऑफ यू? ऑल क्लियर है सभी को? यस सर, इट इज क्लियर टू अस। कोई डाउट नहीं, क्लियर है सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, इसी को आगे लेके चलते हैं। इसी के बाद एजियोट्रॉपिक मिक्सचर आता है बच्चों। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर एक पॉइंट आता है, ठीक है, उस पॉइंट पे हमें सेपरेट करने में प्रॉब्लम आती है इन मिक्सचर्स को। ठीक है, एजियोट्रॉप्स व्हाट, लिक्विड मिक्सचर विच डिस्टिल्स ऑफ विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन अराउंड अ कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, अ बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर एट कांस्टेंट कॉम्पोजिशन and the liquid does not changes its composition as it evaporates. 2 types of azeotrops are known as there, minimum boiling azeotrop and maximum boiling azeotrop, जो आपको बता रखे हैं। ठीक है, ये आपको सिंपल सी बात है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप मतलब वेपर प्रेशर कम। इसमें ये 2 पॉइंट पे क्वेश्चन आते हैं, ग्राफ को याद करने की जरूरत कुछ भी नहीं है आपको। ठीक है, और इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आ जाता है बच्चों, ये नहीं, इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट ले आता हूँ आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग ये भी बोल सकते हैं बच्चों, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, एक और वर्ड, इसको हम ये भी बोल सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। आती है बात समझ में? इसको हम और क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को और क्या बोल सकते हैं, डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज? समझ रहे हैं इस बात को कि भाई हमारे देश में भी तो ये होता है ना कि भाई जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीता, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिला वो जीता। ऐसा थोड़ी देखेगा कि इसको इतने गरीबों ने वोट करा, या इसको इतने डॉक्टर्स ने वोट करा, या इसको इतने इंजीनियर्स ने वोट करा। मेजोरिटी विल बी काउंटेड, मेजोरिटी विल बी काउंटेड। यस और नो? आया समझ में? मेजोरिटी विल बी काउंटेड। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज मेजोरिटी जो जनता बोलती है उसी पर डिपेंड करती है। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं NaCl ले लिया, तो इसके लिए ये अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा, तो इसको अगर एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा तो ये अपने फॉलोअर्स कितने लाएगा, 2 आयंस। ये अपने कितने फॉलोअर्स लाएगा, 2 आयंस को। अगर मैंने इसी तरह के AlCl3 को सॉल्यूशन में डाला तो ये अपने कितने आयंस लाएगा, 4 आयंस लाएगा। आई बात समझ में? किसके पीछे फॉलोअर्स ज्यादा है, किसके पीछे फॉलोअर्स ज्यादा है, ये बताओ किसके पीछे फॉलोअर्स ज्यादा है? आया समझ में? किसके पीछे फॉलोअर्स ज्यादा है, AlCl3 के पीछे या NaCl के पीछे? मेजोरिटी यस 4 आयंस। तो बच्चों इसका आई की वैल्यू जो आप वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू बोलते हो वो ज्यादा आएगी। नंबर ऑफ आयंस जिसमें ये डिसॉल्व होगा वो वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू इसमें ज्यादा आएगी। क्लियर हुआ सभी को पॉइंट? जी 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 यही मैं समझा रहा हूँ। ओके चलिए तो एक एक करके इन्हें अपन डिस्कस करते हैं। पहला वांट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करना सीखते हैं। इट इज सिंपली ऑल्सो नोन एज ऑब्जर्व्ड अपॉन थियोरेटिकल पार्टिकल्स या थियोरेटिकल मास अपॉन एबनॉर्मल मास। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोल दूं आपसे KCl है तो KCl का वांट ऑफ फैक्टर बताओ बच्चों मुझे। सारे बच्चे कमेंट करके लिखो इन सबके वांट ऑफ फैक्टर, जल्दी से लिखो। अगर मैं बोल दूं 100% डिसोसिएशन है तो इन सबके मुझे वांट ऑफ फैक्टर कमेंट करके लिखें सारे बच्चे। KCl का लिखें, इसके बाद लिखें आप लोग K2SO4 का, K2SO4 का जल्दी से कमेंट करके लिखें। इन सब का वांट ऑफ फैक्टर लिखें, इन सब का वांट ऑफ फैक्टर लिखें जल्दी से 1 2 3 4 5 ABC में। ABC यस वेरी गुड वेरी गुड। A का क्या हो गया 2 हो गया, B का हो गया 3 और C का हो गया 5। बहुत बढ़िया 5 है, 2 3 और 5 ये इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये कैलकुलेट करना आना भी चाहिए अपने को। एक का हो गया 2, एक का हो गया 3 और एक का हो गया 5। ठीक है हाँ वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्लियर है गाइस? क्लियर है ओके गाइस वेरी गुड फंटास्टिक। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो इसको कैलकुलेट करने का अगर अल्फा टाइम डिसोसिएशन चेंज होता है तो अगर 100% डिसोसिएट होगा तो तब तो टोटल आयंस की इक्वल आ जाता है जैसे। बट अगर डिसोसिएशन का वैल्यू कम हो गया, अगर डिसोसिएशन कम हो गया तो उस परसेंटेज को लिखना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको आंसर निकालना पड़ेगा। तो ये तो है एसोसिएशन का फॉर्मूला और ये है डिसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जैसे AN है और ये एसोसिएट हुआ 2A में, ठीक है। तो यहाँ से देखो एसोसिएशन हो गया है या डिसोसिएशन। फॉर एग्जाम्पल 2A है या ये हो गया A2 में डिसोसिएट। हाँ ये ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा एग्जांपल है ना, ये तो उल्टा हो गया इसका केरा। इसे बोलते हैं हम एसोसिएशन, इसको बोलते हैं हम एसोसिएशन, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा है पहले मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होना, मोनोमर से पॉलीमर में कन्वर्ट होना। तो इस हिसाब से तो ये ध्यान रखो जब भी आपका बेंजीन रहेगा, बेंजीन में ये डाइमराइज हो जाता है। आपके जितने भी ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स वाले लोग रहते हैं ना ये डाइमराइज हो जाते हैं। तो मतलब 2 मॉलिक्यूल डालोगे तो 1 मॉलिक्यूल मिलेगा। आपने वो डायलॉग सुना होगा ना 2 दिन में पैसा डबल। तो यहाँ पे 2 दिन में पैसा आधा हो जाता है। आई बात समझ में? 2 मॉलिक्यूल्स को डाला और 1 मॉलिक्यूल मिला तो डाइमराइज हो गए। 1 को डाला 2 मिले तो वो अपना बेनिफिट है, ठीक है। क्लियर है? चलें आगे। सुना होगा सब लोग रिलेट कर लेते हैं। तो एक एक करके ये प्रॉपर्टीज है जो अपन ऑलरेडी वेराई डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, जैसे ही आप सॉल्यूट को डालते हो तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डालोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? वैसे ही कम हो जाता है। तो इसी को समझा लिखा है कि कितना कम होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। P0 - PS ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये है सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। P0 - PS/PS = I × N/N दैट इज इक्वल टू I × मोलैलिटी। हर एक चीज किस पे डिपेंड करेगा? मोलैलिटी पे। एवरीथिंग इज गोइंग टू डिपेंड ऑन मोलैलिटी। तो यही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट बात बोली है वो डेमोक्रेटिक मैंने क्यों बोला है देखो यहाँ पे वर्ड। इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सच प्रॉपर्टीज आर नोन एज कॉलिगेटिव। इररेस्पेक्टिव कि वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो डॉक्टर है, इंजीनियर है, कुछ भी हो, ठीक है। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कुछ भी हो, टिकटॉक चलाने वाले हो, कुछ भी हो, ठीक है। बट अगर मेजोरिटी अगर वहां पे एक ही चीज को वोट करेगी तो वही जीतेगा, वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर जो अपन ने अभी जस्ट डिस्कस करा है और ये यहाँ पे अपन आई वांट ऑफ फैक्टर ले लेते हैं। बस वांट ऑफ फैक्टर से अपन क्या कर देंगे? इसको इनटू कर देंगे तो इस हिसाब से आंसर आ जाएगा। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का बढ़ना। जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे तो वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सभी को पता है। पहले ये सॉल्यूशन का ये बॉइलिंग पॉइंट है, देखो ये बॉइलिंग पॉइंट क्या, पहले सॉल्वेंट का था टीबी नॉट, अब बढ़ गया तो डेल्टा टीबी, तो डेल्टा टीबी से बढ़ गया, ठीक है। तो डेल्टा टीबी इज व्हाट, टीबी नॉट, टीबी माइनस टीबी नॉट, दैट विल बी एंड इट विल बी केबी इनटू एम। और अगर वांट ऑफ फैक्टर की टर्म में लिखोगे तो इसको ये भी लिख सकते हो, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम। समझ आती है सभी को बात, ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये क्या आशिकी चल रही है कमेंट सेक्शन में है, पढ़ लो भाई, अभी अभी मैंने समझाया है, ठीक है, तो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी को, ठीक है। तो मोलैरिटी को कैसे लिखा जाता है ये यहाँ पर। और बच्चों केबी और केडब्ल्यू की वैल्यू, केबी क्या होता है बच्चों, केबी क्या होता है, बढ़िया अच्छा नाम होता है, बॉइलिंग पॉइंट और एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, दैट इज नोन एज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, दैट इज ऑल्सो नोन एज एब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट केबी, ठीक है। तो इसका वैल्यू वाटर के लिए, और आपको याद रखना है वाटर के लिए कितना होता है केबी का वैल्यू, कोई बताएगा वाटर के लिए केबी का वैल्यू क्या होता है। अगर वाटर हुआ तो केबी का वैल्यू, कोई एनीवन जल्दी से कमेंट करके बताएं, वाटर के लिए केबी का वैल्यू कितना होगा, जल्दी से क्लियर करें। बहुत बड़ी, ये पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं ना, ये पैरामीटर्स आपको याद रखने हैं। लगता है वो शर्मा के भाग गया है। चलो तो क्या होगा केबी का वैल्यू, यस 0.52 हो जाएगा, है ना, 0.52। एवरीवन शुड बी रिमेंबर दिस, वाटर के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन करोगे तो अगर जैसे ही आपने डाला नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता रहता है, थोड़ा डिक्रीमेंट आ जाता है, डिप्रेशन हो जाता है नए वाले फ्रीजिंग पॉइंट का, तो वो पुराना वाला ज्यादा है, प्योर सॉल्वेंट का नया वाला कम है। तो डेल्टा टी एफ इंटू कैसे निकालते हैं, टी एफ माइनस के एफ इंटू एम। और के एफ की वैल्यू, के एफ के लिए भी वाटर की वैल्यू बताओ, के एफ के लिए वाटर के लिए वैल्यू बताओ, के एफ की, KF और KB को तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और फ्रीजिंग पॉइंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट ये बोलते हैं। KF की वैल्यू बताओ जल्दी से, 1.86। ये these all people belongs to one place, हाँ, you all know that place, हाँ, मैं एक बार बोल चुका हूँ कहाँ से आते हैं ये लोग। हाँ, के एफ की वैल्यू क्या होती है 1.86, के एफ की वैल्यू क्या होती है, ये 1.86 होती है, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्रेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी एंड दैट इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। इनका निकालने का भी तरीका है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपन इनको भी, क्योंकि अपन ने बोल दिया ना भाई डेल्टा टी एफ क्या होगा, के एफ इंटू एम होगा। तो के एफ की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा, डेल्टा टी एफ बाय एम करूंगा, तो मोलैरिटी को लिख दो, डेल्टा टी एफ भी लिख दो, आपको निकालना आ जाएगा, ठीक है। और ये तो अपन ने ऑलरेडी डिफाइंड है। एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर को अपन को समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू वॉट, रो एच जी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपने समझा होगा इसको कि भाई आर ओ प्यूरिफायर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, आर ओ प्यूरिफायर। रिवर्स ऑस्मोसिस सुना होगा सभी ने, रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमिना होता है, ठीक है, होता है ना रिवर्स ऑस्मोसिस का फिनोमिना, सभी को आता भी होगा इसको, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ मूव करते हैं जो भी सॉल्यूट या सॉल्वेंट होते हैं, कहाँ से कौन कहाँ पे मूव करता है, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन या लो कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ, कहाँ से कहाँ को मूव करते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। कहां से कहां को मूव करते हैं, हाई टू लो या लो टू हाई, सब लोग जल्दी से कमेंट करें। यस, दे आर डूइंग टू कन्वर्ट फ्रॉम हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन, हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन की तरफ करते हैं, हाई से लो की तरफ, हाँ ऐसा, लो टू हाई। हाँ इसमें, और नॉर्मली रिवर्स ऑस्मोसिस में जस्ट अपोजिट हो जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस में जस्ट अपोजिट। देखो मैं यहाँ पे बता भी देता हूँ, देखो कंफ्यूज होने का बात नहीं है, यहाँ पे पढ़ो, यहाँ पे पढ़ो, देखो एक बार यहाँ पे पढ़ो ये पॉइंट्स। Assume that only solvent molecules can pass through the semi-permeable membrane. This membrane is present in the solvent, and the solvent will flow through the membrane of from pure solvent to the solution. From pure solvent to the solution. तो ये तो हो गया low to high. तो ये तो क्या हो गया आपका low to high? हाँ, एक में opposite हो जाएगा ना, osmosis में जो होता है उसका reverse osmosis उसका just opposite हो जाएगा, ठीक है? वही चीज बोला है, yes, है ना? The flow continue till the equilibrium is attained and the flow will get stopped as the equilibrium is reached. तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है पाई की वैल्यू हो जाती है रो जी है, पाई की वैल्यू हो जाती है CRT, और पाई की वैल्यू अगर आप मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कंसिडर करेंगे तो ICRT हो जाती है। तो तीन पॉइंट्स हैं, तीन डेफिनेशंस हैं जो इसमें अपन को पढ़नी है बच्चों। पहला होता है हाइपरटोनिक, क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। सेकेंड होते हैं, ये आपको टर्म इसका क्लियर होना चाहिए, हाइपोटोनिक। थर्ड बताएं आप आइसोटोनिक, हाइपर, हाइपो एंड आइसोटोनिक। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? हाइपर, हाइपो एंड आइसो में क्या डिफरेंस है इन तीनों में? यस, ये डिफरेंस है कि मान लीजिए किसी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा है, पाई 1 का ज्यादा है पाई 2 से, तो दैट विल बी हाइपर होना। भाई बॉस से कहते हैं ना, बॉस से अपन के दोस्त लोग हो जाते हैं फालतू में हाइपर हो जाते हैं, तो फालतू में हाइपर होना मतलब प्रेशर ज्यादा कर लेना, फालतू में हाइपर होना मतलब हर चीज पे ओवर रिएक्ट करना, ज्यादा प्रेशर, ठीक है? तो जिसका प्रेशर ज्यादा हो सेकंड वन से, दैट इज हाइपर। हाइपो मतलब कम हो जाना, अपोजिट टू हाइपर, दैट इज हाइपो, ठीक है? और आइसोटोनिक मतलब इक्वल हो जाना, आइसोटोनिक मतलब इक्वल हो जाना, वेपर प्रेशर को इक्वल हो जाना, पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2, ठीक है? क्लियर है? तो यही चीज आपको यहाँ पे मिलेगा और आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास जो अपन ने पढ़ा है, जैसे डाइमराइज हो जाता है, डाइमराइज कौन हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाता है। डाइमराइज कौन हो जाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाते हैं। किसमें हो जाते हैं? बेंजीन, अगर आप सॉल्वेंट लोगे तो, बेंजीन लोगे तो, ठीक है, हो जाता है वहां पे। जैसे ये रहा, देखो डाइमराइज होने का केस ये रहा, अगर बेंजीन में अगर आप डिसॉल्व करोगे तो जो आना चाहिए था वो नहीं आया, जो आना चाहिए था वो नहीं आया, ठीक है? तो जो मॉलिक्यूलर नॉर्मल मोलर मास अपॉन अब नॉर्मल मोलर मास, तो ये एसोसिएशन का केस हो गया। तो आई को अपन ने इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, नॉर्मल अपॉन अब नॉर्मल, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव अपॉन कैलकुलेटिंग आर टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन, एंड इट विल बी इक्वल टू P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P नॉट, and that will be equal to I into N2 upon N1. Clear है? Clear है सभी को? And the conclusion for this is the conclusion of everything. कि elevation in boiling point, depression in freezing point, and osmotic pressure. सबको I से multiply कर दो, सबको I से multiply कर दो. Clear है सभी को? Clear है? हाँ बच्चों, आज का PDF बहुत important है, बहुत अच्छे notes हैं, तो आप इन सबको लीजिएगा और पढ़िएगा, ठीक है? यहीं तक है अपना, ठीक है? और यहीं तक मैंने एक्सप्लेन करे हैं कुछ कंसेप्ट, एक ब्रीफ में आपको पॉइंट्स बताए हैं, तो अभी आपको मिल जाएगा, ठीक है, सारा का सारा इन PDF फॉर्मेट। एंड डू फॉलो मी ऑन प्लस प्लेटफॉर्म, और मुझसे पढ़ना है, ब्रीफली डिस्कस करना है हर एक चीज टॉपिक वाइज, तो आप आइए प्लस प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मेरा 1 ईयर कोर्स कम्प्लीटली सक्सेसफुल रजिस्टर्ड है, मतलब चलने वाला है, सुपर रैंकर्स बैच। तो आप जल्दी से आ जाइए, 10% का आपको मैं डिस्काउंट दूंगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब आप जैसे ही कोड यूज करेंगे मेरा HJLIVE, तो आपको देखो कोड एक है, फायदे बहुत सारे हैं, ठीक है? फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्लस गाइडेंस, योर पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग विल बी देयर। ओके, सो थैंक यू ऑल, वी विल मीट टुवर्ड्स मोर इम्पोर्टेंट चैप्टर। और बायोमॉलिक्यूल्स पे मैं जल्दी से आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ, मैं पढ़ाने वाला हूँ, डोंट वरी, ठीक है, फ्रॉम बेसिक्स। थैंक यू ऑल, बाय बाय।